आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को उदासीन सतह और उदासीन अक्ष, न्यूट्रल लेयर एंड न्यूट्रल एक्सिस। देखिए, ये मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्किल है। सर्किल इसका है क्रॉस सेक्शन और ये इसका एक्सिस है जो कि बीचों बीच है। और अगर हम इसका प्योर बेंडिंग करते हैं, प्योर बेंडिंग क्या होता है मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जाके उसको देख लीजिएगा। अगर इस पर प्योर बेंडिंग हम इसका करते हैं, मीन्स बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं, बेंडिंग मोमेंट हम लगा के दोनों तरफ से प्योर बेंडिंग इसका हम करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से झुक जाता है, कुछ इस तरह से ये झुक जाता है प्योर बेंडिंग के बाद। अब इसमें आप देखिए कि जो ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके ऊपर का पार्ट वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। मतलब इसके ऊपर का पार्ट क्या होता है, कंप्रेस होता है। मतलब इस पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और इस एक्सिस के नीचे वाला पार्ट टेंशन इसमें क्रिएट हो रहा है। मतलब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस नीचे जनरेट होता है। लेकिन बीच में कहीं कोई एक ऐसा, अब देखिए कई लेयर होंगे ना, क्योंकि क्रॉस सेक्शन इसका सर्किल है, इसमें कई सारे लेयर्स होंगे। इस एक्सिस के ऊपर वाला जितना भी लेयर होगा वो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, उसकी लंबाई घटेगी। और इस एक्सिस के नीचे वाला जितना भी लेयर होगा उसकी लंबाई बढ़ेगी। लेकिन बीच में कोई एक ऐसा लेयर जरूर होगा जिसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस पर कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। मतलब यहाँ पे ऐसे कई सारे लेयर्स होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं। ये लेयर्स यहाँ भी होंगे, ये लेयर्स यहाँ भी होंगे, ब्लू लाइन ये लेयर्स हैं, ये क्या हैं, लेयर्स हैं। सतह या परत इसको हम कहते हैं। तो इस एक्सिस के ऊपर जितने भी लेयर्स होंगे उसकी लंबाई घटेगी और इसके नीचे जितने भी लेयर होंगे उसकी लंबाई बढ़ेगी। लेकिन बीच में एक ऐसा लेयर जरूर होगा जिसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी लेयर को हम कहते हैं न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल लेयर या उदासीन सतह, उदासीन सतह हम कहते हैं। अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर। अब जब इसको हम प्योर बेंडिंग लगा के अगर हम इसको ऐसे मोड़ते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से होगा। इसका एक्सिस क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा, ये वाला एक्सिस, रेड एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए न्यूट्रल लेयर जो होता है, ध्यान से समझिएगा, न्यूट्रल लेयर जो होता है वो इसके क्रॉस सेक्शन को जिस लाइन पे कट करता है उस लाइन को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। मतलब ये तो इसका ये वाला एक्सिस हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो परत है इस तरह से, ये परत आएगी, ये परत है, तो इसका क्रॉस सेक्शन है सर्किल, इस परत को इस लाइन पे कट करता है, इस लाइन पे। मतलब ये यहाँ पे भी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन होगा इस लाइन को हम कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस या उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष हम कहेंगे। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब कोई रॉड है सिलिंड्रिकल रॉड, उसका प्योर बेंडिंग हम करते हैं तो इस तरह से ये मुड़ जाता है। अब इसमें कई सारे लेयर्स होते हैं, बीच में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर वाला जितना भी लेयर होता है उस वो कंप्रेस होता है, लंबाई उसकी घटती है, और नीचे वाला लेयर उसकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन बीच में एक ऐसा लेयर होता है जिसकी लंबाई पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसी लेयर को हम कहते हैं उदासीन सतह या न्यूट्रल लेयर। अब इसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्किल होता है। इस सर्किल को ये न्यूट्रल लेयर जिस लाइन पे कट करता है उस लाइन को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस या उदासीन अक्ष। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने जान पहचान के लोगों और मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।